वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिक्रिएट करने वाले हैं सुपरमैन के पोस्टर को, जिसमें हम एक सिंपल फोटो को इसके पोस्टर स्टाइल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेकिन इस लेवल के रिजल्ट के लिए सबसे पहले हमें सुपरमैन के पोस्टर को ब्रेक डाउन करना होगा। अगर हम इस पोस्टर को ध्यान से देखें तो कुछ की एलिमेंट्स निकल कर आते हैं। बैकग्राउंड में एक रैंडमाइज्ड ग्रेडियंट है जो सुपरमैन के आइकॉनिक रेड, ब्लू और येलो पैलेट से इंस्पायर्ड है। सब्जेक्ट के पीछे से स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स है जिसके कारण एक रिम लाइट बन रही है, और मोशन या फ्लाइंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने यूज़ किया है स्ट्रेची स्क्रैची टेक्सचर्स। इसके अलावा पोस्टर में लेंस फ्लेयर्स भी दिख रहे हैं एंड ओवरऑल इमेज नीचे से थोड़ी डार्क है फॉर ड्रामा। ये सब एलिमेंट्स सुपरमैन के हर पोस्टर में कॉमन है, बस ग्रेडियंट का स्टाइल थोड़ा वेरी करता है। लेकिन जो पोस्टर मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ वो ये है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे बैकग्राउंड ग्रेडियंट। इमेज से कलर्स पिक करके एक ब्लैंक लेयर पे हार्ड राउंड ब्रश से पेंट करेंगे, फिर उस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाकर गॉशियन ब्लर ऐड करेंगे। तब तक ब्लर करना है जब तक एजेस कम्प्लीटली डिजॉल्व ना हो जाएं। अगर आप देखें तो ये ग्रेडियंट काफ़ी सिमिलर लग रहा है ओरिजिनल से। अब बारी है मोशन इफेक्ट की। मैं यूज़ कर रहा हूँ दो टेक्स्चर्स, एक डिटेल्ड स्ट्रेचेस के लिए और दूसरा ब्रॉड नोटिसेबल मोशन के लिए। ये दोनों कंबाइन करते ही हमें वो फ्लाइंग डायनामिक फील मिल जाता है। और हाँ, टेक्सचर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डोंट वरी। अब जो सेकंड टेक्सचर है वो कलर्ड है, तो पहले उसे डीसेचुरेट करेंगे और उसमें एक साइड थोड़ा डार्क है, हमें वो डार्कनेस नीचे चाहिए, तो हम टेक्सचर को फ्लिप कर देंगे। मुझे लग रहा था इमेज थोड़ी ओवर सैचुरेटेड हो रही है, तो मैंने सैचुरेशन हल्की सी कम कर दी। और अब ऐड करेंगे सब्जेक्ट। ओरिजिनल पोस्टर में सब्जेक्ट थोड़ा येलोविश वार्म टोन में है, तो मैंने अकॉर्डिंगली कलर मैच कर लिया। अगर आपको सीखना है परफेक्ट कलर मैचिंग कैसे करते हैं तो उस पर मेरे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साइड से जो ब्लू लाइट आ रही थी मैंने वो भी फिक्स कर दी। अब सब्जेक्ट को फोरग्राउंड इफेक्ट्स के साथ ब्लेंड करेंगे यूजिंग मास्किंग। सॉफ्ट ब्रश से लाइट मास्क करो, और नीचे के एरिया में मैंने यूज़ किया है ओवल शेप ब्रश ताकि वर्टिकल मोशन का इफेक्ट इन्हांस हो जाए। डायनामिक फील के लिए मैंने कुछ एडिशनल इमेजेस ऐड की हैं और फिर उनका भी कलर मैच कर दिया। और अब आता है मैजिक टच, लेंस फ्लेयर। ओरिजिनल पोस्टर जहाँ जहाँ फ्लेयर यूज़ करता है वही वही मैंने भी ऐड किया है फॉर दैट सिनेमैटिक सुपर हीरो लुक। अब बारी है ग्लो एंड हाइलाइट्स पेंट करने की, जो पोस्टर को एक्स्ट्रा पंच देते हैं। टाइटल्स डाले, थोड़ा सा ग्रेन ऐड किया फॉर टेक्सचर, और लो जी पोस्टर रेडी है। तो दोस्तों आप बताओ ये रिक्रिएशन ओरिजिनल के कितने क्लोज लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे और पोस्टर ब्रेकडाउंस चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग।